इसके पीछे बहुत सारे शहीदों का, हमारे देश भक्तों का, और जिनको हम आम जन बोलते हैं, उनका बलिदान है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है। और इस आजादी को बरकरार रखने के लिए सभी विभाग जो है वो भी अपना साथ रह चले। और जो ये बच्चे जरूर जा रहे हैं, बच्चे इसके लिए सामने राष्ट्रीय सरकार अलीशा अलीशा है हमारे इस मानव की संचार करती है। तो इसी उद्देश्य से ये विभिन्न समारोह त्योहार मनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। और त्योहार जब हम इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। ये जो पिछले एक साल से गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, बच्चों ने यहाँ स्टेज के माध्यम से मॉर्निंग असेंबली में विभिन्न एक्टिविटी उनको आप संवारते रहेंगे और उनको खाने के लिए भोजन मिलता था, रहने के लिए घर नहीं मिलती थी। हमारे पास सब कुछ है, अच्छी चीज घर है, हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए प्रचुर मात्रा में हमारे पास भोजन है। और इसमें विभिन्नता तो ये हमारा बहुत अच्छा शो होता है और ये दिखाता है कि आज के समारोह की हमारी मुख्य अतिथि प्राचार्य मुझे हमारे जिले में बुला चुके हैं। तो बच्चे तालियों से स्वागत करते हैं सरकार। आप जानते हैं बच्चे सावधान सभी thank you.
संगत तराशिया तो आपके आने वाले जीवन में संघर्षों की लड़ने की उतनी ही ताकत होगी। तो प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे विश्व में प्राइमरी टीचर के रूप में आप जानते हैं कि एक और अपने हमें अनुग्रह तो सरावत जी हमारे सामने है ग्रुप सॉन्ग के लिए। आदरणीय प्राचार्य जी, मेरे विद्वान साथियों, बड़े संघर्षों की कहानी है, बलिदानों की कहानी है, तब जाकर हमें यह दिन मिला है। आज पूरा राष्ट्र आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और साथ ही तो प्यारे बच्चों, आप सभी को आजादी का यह 75वां स्वतंत्रता दिवस सभी को शुभकामनाएं, सबको बधाइयां हो। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों क्रांतिकारी हुए हैं और उनका अलग अलग इतिहास है, अलग अलग जानकारी है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। भगत सिंह, हम शहीद आजम भगत सिंह को सभी जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। तो प्यारे बच्चों, शहीद आजम क्रांतिकारी ही नहीं, वे एक बहुत बड़े विचारक, लेखक और दार्शनिक थे। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती थी कि जहां भी भगत सिंह 2 से 3 दिन रुक जाते थे, वहीं उनके पास किताबें पढ़ने के, लेख लिखने के बड़े शौकीन थे। काकोरी कांड के बाद जब वे अपना भेष बदलकर लाहौर चले गए, तो वहां जाकर उन्होंने गाय भैंसे पालने का काम शुरू किया, अंग्रेजों से बचने के लिए दूध तक बेचने का काम किया और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई और अपने लेख भी लिखते रहे। तो प्यारे बच्चों, जो पढ़ाई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वह पूरे समाज को, अपने परिवार को शिक्षित कर देता है और जो विकास की जो बुलंदियां हैं उन पर छा जाता है। यह भी एक हमारी अनोखी देशभक्ति है और क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं और उन्हीं के बलिदान से आज का जो दिन है, ये जो शुभ दिन है, हमें मिला है। और जय हिंद, जय हिंद। तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो लड़ाई भी लिखते हैं, तो उस लड़ाई के भी सिद्धांत होते हैं। हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि कभी भी कमजोर वर्ग पर हमने आक्रमण नहीं किया, उन पर अत्याचार। स्टेज पर आए अभिभावकगण और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को बहुत सम्माननीय हर घर तिरंगा अभियान में वन डे जय हिंद। I'm gonna go.
आदमी जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, कारगिल की लड़ाई में लड़ते लड़ते वीर गति सर हमारे करेंगे सर। धन्यवाद सर। भारतम महाभारतम भारतम महाभारतम गंगा नर्मदा पुण्यतीर्थम सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूल तत्त्वम् नदी राष्ट्रस्य महामृतम् भारतम्। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों, अभिभावकगण एवं प्रिय बच्चों, आज के इस पावन और महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हमारे देश को आजाद हुए आज 75वां वर्ष चल रहा है और 75 वर्ष किसी भी देश की आजादी के लिए बहुत लंबा समय नहीं माना जाता, लेकिन भारत देश ने तरक्की के रास्ते पर, बुलंदियों के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आपको पता होगा कि भारत की पूर्वकालीन सरकारों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया था। वो पंचवर्षीय योजनाएं किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागू की गई थी, ताकि अगर मिट्टी के बोल नहीं रहेंगे तो हमारे देश की कृषि लायक मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में भोजन पैदा होगा, जिसका अर्थ है आने वाले समय में हम सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या। हमारे देश की 60% खेती लायक मिट्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ 0.62% बायोमास सक्रिय रहते हैं, जबकि होने चाहिए कम से कम 3%, और यह एक बहुत ही चिंतनीय बात है। के दौरान हमने खेती के तरीकों में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि देश के परिवर्तन करती है और देश
इतिहास शास्त्र के बारे में हमें बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी और ज्ञान वर्धक बातें करते रहते हैं और हम सभी को गर्व है कि सर हमारे विद्यालय की जो एनसीसी की जो यूनिट है उसको नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके अंतर्गत आप जानते हैं और ये अब महसूस भी कर रहे हैं, चाहता हूँ कि मैडम इस अभियान के बारे में अपने विचार रखें। मैडम मोनिका प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, अभिभाविकगण और प्यारे शिष्यों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ के शुभियों के उपलक्ष में एक उत्सव मनाने का प्रण जो है भारत सरकार ने लिया और उसे इस अभियान के द्वारा जागरूक महोदय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के रूप में एक के रूप में मनाया जा रहा है और हर है उन सभी के दिलों में हमारे तिरंगे के प्रति, हमारे देश के प्रति आदर सम्मान रहे और देशभक्ति की भावना हमेशा जागरूक रहे। मैं यहाँ पर हर देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश की गरिमा होती है, उस देश का गौरव होता है, उसका सम्मान मतलब देश का सम्मान है और वही हर भारतवासी की एक असली पहचान मानी गई है। हमारा भारत देश का जो वास्तविक तिरंगा हम आज सही स्वरूप में देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत सारे बदलावों से होकर हमें ये तिरंगा 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र रूप में फहराने का मौका मिला, जिसकी शुरुआत हुई 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक में पहली बार ध्वज फहराया गया, जिसे क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी। उस समय हमारे तिरंगे का रंग सबसे ऊपर जो है हरे रंग की पट्टी, बीच में पीले रंग की पट्टी और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी हुआ करती थी, जिसमें हरे रंग की पट्टी में 7 कमल के फूल, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी में दाहिनी और तारा और राइट हैंड साइड जो है सूरज का चिन्ह बना हुआ था। उसके बाद दूसरा बदलाव हमें देखने को मिला 1907 में हमारे तिरंगे का स्वरूप में कुछ बदलाव आया, जिसमें अब पट्टियों का जो रंग था वो बदल दिया गया, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे जो है हरे रंग की पट्टी को रखा गया। और इसके अलावा राइट हैंड साइड अब सूरज का चिन्ह था और लेफ्ट हैंड साइड जो है चंद्रमा का चिन्ह था, जिसके साथ अर्धचंद्र भी बना हुआ था। तीसरा बदलाव देखने को मिला 1917 में, जिसमें इसके स्वरूप में जो बदलाव आया, अब पांच लाल रंग की पट्टियां और उनके मध्य में 4 हरे रंग की पट्टियों को रखा गया। लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर जो है यूनियन जैक का निशान था, राइट साइड में जो है अर्धचंद्र जिसमें एक चंद्रमा बना हुआ और उसके ऊपर जो है एक तारे का निशान, और उसके अलावा सप्तऋषि हमें देखने को मिला। सप्तऋषि मीन्स 7 तारों का समूह। चौथा बदलाव 1921 में आया। 1921 में इसके स्वरूप को बदला गया और इसमें लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। लाल और हरा रंग जो है हमारे भारत के 2 बड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लाल रंग जो था वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था और जो हरा रंग जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी जो कि वृद्धि, हमें हमेशा आगे ही और बढ़ते रहना है, चलते रहना है, भारतीय फहराते हुए देखते रहे। धन्यवाद। जो मेरे साथ थी
गाइड कर रहा है। के दिल में तिरंगा रहता है, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों ने उस हर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमारे ये जो संदेश दिया है, तो मैं बच्चों की तरफ से सर को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इसी तरह अपने आप को शक्तिशाली, ज्ञानवान और निपुण बनाते रहेंगे और देश और दुनिया भारत माता की जय बोले मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए एक सूचना है कि इसके बाद यही रुकना है, एक शोर मीटिंग होगी। धन्यवाद। उठा नहीं, मजा आया गोल्डी को? कितना मजा आया गोल्डी? बहुत मजा आया। प्रॉपर लाइन में जा सकता है और सभी अभिभावक कितना मजा आया। अच्छा अच्छा बता इधरा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बच्चों को रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, तो इधर बच्चे लाइन में आते हुए इधर आ। ओए काफी देर होगी, वो कहाँ रहेगा? तो भाई इंडिपेंडेंस डे जो आज के लिए स्कूल में मनाया गया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। वीडियो में आप देख लियो, बहुत आनंद आने वाला है। तो अब समाप्त हो चुका है, तो बच्चे अभी अपने घर को जा रहे हैं, तो मेरे पीछे देख रहे हो और आगे मैं दिखता हूँ। केविन मेरे साथ, बाहर ऑटो वाले आ चुके हैं बच्चों को ले जाने के लिए, तो हम भी चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं या जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, तो अगले नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे आपके नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। केवीएस स्कूल के बच्चे हैं, तो इनसे बात करेंगे आज इनको कैसा आनंद आया। तो सबसे पहले आज कौन सा दिवस है? आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस, इस दिन क्या हुआ था भाई? आज़ादी मिली थी। तो आपने सारा प्रोग्राम देखा, पार्टिसिपेट भी करा होगा, तो आपको कैसा लग रहा है? तो क्या खुशी की क्या बात है और क्या सीख मिली आज? अच्छा, अपने विचार क्या है? तो कौन सी क्लास के सारे? तो नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं भाई। इनको आज स्कूल में एक दो बच्चे ने पार्टिसिपेट कराए और बाकी ने सभी आनंद लिया है आज पूरे प्रोग्राम का।
तो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना, सबने नारा लगाना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये सब बच्चे बहुत आनंद आया। तो ये देखिए देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, आप देखने लाग रहे हो लाडला हरियाणा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसका हम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप इसके बच्चों का। ओके, जय हिंद। Now the function is over and we are going to our home. As you can see the video, our function has gone to home. You can see there are so many flags in the market today.